बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक की रहमत करम फजल व शुक्र के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत होम यूज़ गाड़ी को लेकर मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, सेकंड हैंड होम यूज़ गाड़ी है, फोर सेल गाड़ी है। गाड़ी के अंदर किसी किस्म कोई फॉल्ट हुआ तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। आप दोस्तों की गुजारिश है कि वीडियो कहीं से स्किप ना करें, वीडियो के अंदर तक कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो गाड़ी मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ, गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, टोटली नीट एंड क्लीन गाड़ी है। गाड़ी में एक बहुत ही माइनर से इशू है, मैं आपको आगे चल के ज़रूर क्लियर कर दूँगा। और आखिर में चल के हम इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेंगे। प्राइस भी इस गाड़ी की बहुत मुनासिब है। आप दोस्तों की खिदमत मैं ये गाड़ी बहुत ही शानदार कंडीशन के अंदर लेकर आया हूँ। और इसके साथ साथ जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो बिना किसी देर के ये चलते हैं इस गाड़ी कंप्लीट डिटेल्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी के मॉडल की बात कर लेते हैं, तो 2009 मॉडल डाइहैट्सु कोरे EX सिल्वर कलर के अंदर बहुत ही लश कंडीशन के अंदर ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। 2009 मॉडल गाड़ी है, लेकिन 2010 के अंदर इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, लाहौर रजिस्ट्रेशन है, लाहौर नंबर की ये गाड़ी है। गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन के बारे में आपको बताऊँ तो टोटली जेन्युइन गाड़ी है, 100% गारंटी इस बात की। गाड़ी के अंदर किसी किस्म कोई मेजर माइनर एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। गाड़ी के सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इस गाड़ी का बिल्कुल ओके है, फिट है, किसी किस्म कोई मसला नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो 800 cc इस गाड़ी का इंजन है, बेहतरीन कंडीशन के अंदर है, बेहतरीन वर्क कर रहा है। इंजन में किसी किस्म की कोई टेक्निकली मैकेनिकली खराबी जो है वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही शानदार कंडीशन के अंदर जेन्युइन इंजन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर रूम की बात कर लेते हैं, इंटीरियर में गाड़ी 100% आपको लश मिलने वाली है, नीट एंड क्लीन, स्क्रैच लेस इस गाड़ी का इंटीरियर। इंटीरियर में जो गाड़ी की सीट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, गाड़ी की सीट्स पोशिंग बहुत ज़बरदस्त की गई। और इसके अलावा गाड़ी का AC की बात करें तो बिल्कुल अपनी जेन्युइन और वर्किंग कंडीशन के अंदर है। और इसके अलावा गाड़ी के तमाम फीचर्स जो हैं इंटीरियर के अंदर बिल्कुल अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं, किसी किस्म का कोई फॉल्ट इनके अंदर नहीं है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इस इंटीरियर में, दोस्तों गाड़ी के जो ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। टॉप मैक्सिमम स्पीड इस गाड़ी की 160 km/h के हिसाब से है। और इसके अलावा गाड़ी जो है अगर आप इसको लॉन्ग ड्राइव पर मोटरवे हाईवे पर यूज़ करते हैं तो तकरीबन 17-18 किलोमीटर जो है इस गाड़ी की लॉन्ग ड्राइव पर इसकी पर लीटर के हिसाब से एवरेज आ रही है। और अगर आप इसको सिटी में यूज़ करेंगे तकरीबन 13-14 किलोमीटर इसकी सिटी में एवरेज आ रही है पर लीटर के हिसाब से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 32 लीटर का इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इंटीरियर टोटल लश कंडीशन के अंदर आपको मिलने वाला है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, 100% गारंटी है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में गाड़ी का जो है ओरिजिनल पेंट आपको तकरीबन 75-80% आपको इस गाड़ी का ओरिजिनल पेंट जेन्युइन पेंट मिलने वाला है। यहाँ पे चल के मैं इस गाड़ी का इशू जो है आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी का जो बोनट है और राइट साइड के 2 डोर्स जो हैं ये शावर किए गए हैं, स्क्रैच आने की वजह से शावर हैं और इसके अलावा कोई एक्सीडेंट जो है वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी पे जो बोनट और इसके राइट साइड के दरवाजे हैं, 2 दरवाजे दोनों पर शावर किया गया है स्क्रैच की वजह से। इसके अलावा गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। टोटल बम्पर टू बम्पर गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही फॉल्ट है, इसके अलावा गाड़ी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बम्पर टू बम्पर गाड़ी बहुत ही लश कंडीशन के अंदर आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा गाड़ी के जो टायर्स हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन के अंदर हैं, ज़बरदस्त कंडीशन में टायर्स मिलने वाले हैं। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, लाहौर नंबर की ये गाड़ी है, लाहौर में रजिस्टर्ड है। और इस टाइम इस गाड़ी की लोकेशन भी आपको लाहौर में ही अवेलेबल है। और इसके साथ साथ गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं है, टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ओनर डिमांड की, तो ओनर की तरफ से जो फाइनल डिमांड है वो 8 लाख रुपए है। 2009 मॉडल जो कि रजिस्टर्ड 2010 में डाइहैट्सु कोरे, बेहतरीन कंडीशन के अंदर ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। टोटल कंडीशन इस गाड़ी की आपको मैंने भी बता दी है और वीडियो के अंदर भी आप गाड़ी की लुक जो है देख रहे हैं, शानदार कंडीशन के अंदर ये गाड़ी है, बेहतरीन कंडीशन के अंदर ये गाड़ी है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का ख्वाहिशमंद हैं तो इस गाड़ी के ओनर का जो नंबर है आप डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं और आप उनसे बात करके मैं उम्मीद करता हूं कि वो मज़ीद इसकी जो प्राइस है उसमें कमी लेकर आएंगे। और इसके अलावा आप दोस्तों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप दोस्त किसी भी गाड़ी को ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप मुझे उस गाड़ी का जो नाम है वो कमेंट में बता दें, मैं आपके लिए वो गाड़ी जो है ज़रूर ढूंढ कर लाऊँगा, इंशाल्लाह अच्छी कंडीशन के अंदर आपके लिए वो गाड़ी लेकर आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों की दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।